हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कृष्ण कन्हैया जी आपके जीवन में खूब खुशियां लेकर आएं और कृपा करें आप सभी के ऊपर। तो दोस्तों, आज मंदिर में प्रोग्राम होने जा रहा है जन्माष्टमी का, वो तो हर मंदिर में होता ही है। तो मैं इस बार मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे प्रोग्राम होता है मंदिर में। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कोई उनको कोई ऐसी स्पेशल क्लास नहीं दी जाती है, वो अपने आप ही डांस करते हैं आकर, और बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं नीचे अभी जाऊंगी, सुबह के 7 बजे हैं, तो मैं अभी नीचे जाकर पहले बाबा को, माता को और कान्हा जी को स्नान करवाऊंगी। फिर आप उसके बाद में स्नान भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद में फिर आरती करके फिर और आगे का प्रोग्राम जो भी होगा वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आप ज़रूर देखिएगा, पूरे ब्लॉग को देखिएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये लड्डू गोपाल जी हैं। अब मैं इनको स्नान करवाने जा रही हूँ और मैं इनके वस्त्र भी दिखाती हूँ आपको। ये लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हैं और ये पगड़ी है इनकी, ये गले का नेकलेस है और बिंदी है छोटी सी तिलक, और ये हाथों के कंगन हैं, और ये मुरली है लड्डू गोपाल जी की, और ये शीशा है। जब वो तैयार हो जाएंगे तो वो देखेंगे खुद को अपने आप को। और फ्रेंड्स बस अब स्नान करवाने जा ही रहे हैं, तो मैं कान्हा जी को स्नान करवाने जा रही हूँ। बड़ा नट खटे रे कृष्ण कन्हैया का करे यशोदा मैया, बड़ा नट खटे रे कृष्ण देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो रहे हैं। अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं और झूले पर बैठ चुके हैं, और मैं उनको अब झुला रही हूँ थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वार, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वार, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, आप खाए धैया दूध पिए।
नहीं, सातवां रूप है काल रात्रि। कमेंट्स कीजिएगा और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगले ब्लॉग में मिलते हैं। ओम साई राम, राधे राधे। ओके बाय।